हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो आज पढ़ने वाले हैं हम लेक्चर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री का। कल इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने बच्चों एंगल के कुछ बढ़िया कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट देखे थे। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 में हमारे सामने आज का सबसे पहला सवाल मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ। पहला सवाल है कि ये 360 डिग्री से ज़्यादा का एंगल कैसे आखिर ट्रेवल होता है। बच्चों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, देखो ये आपके पास में 0 डिग्री है, इधर घूम जाओगे तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 270, और ये कंप्लीट कर लोगे तो क्या हो जाएगा 360। और अगर 360 के बाद आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और घूमते हो तो ये 360 टोटल हो गया, यहाँ तक घूम करके आए और फिर आपने कितना ट्रेवल कर गया 90, तो ये हो गया कितना 360 प्लस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमे हो तो कितना 90 डिग्री, तो आंसर कितना हो जाएगा 450 डिग्री। कितना हो गया 450 डिग्री। तो आप इस तरीके से कितना भी एंगल घूम सकते हो, वो बढ़ता रहता है। क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। यदि आप यहाँ चले हैं और ये लाइन आपके पास दो बार घूम गई है, कितने बार? दो बार, तो 360 प्लस 360, बोलो आंसर कितने डिग्री? 720 डिग्री। तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चों वो कितना बनेगा? 720 डिग्री। बोलिए क्लियर है? तो इस तरीके से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। एक चीज़ और देख लो, अगर आप ऊपर की तरफ 30 डिग्री चल रहे हो सो दिस इज़ कॉल्ड प्लस 30, दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज, और बट आप नीचे की तरफ चल रहे हो सो दिस इज़ क्लॉकवाइज कॉल्ड माइनस 30, ठीक है। सो दिस कॉल्ड प्लस 30 एंड दिस इज माइनस 30, डन, करेक्ट है ना? चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, अब आगे चलते हैं। तो आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी और लेवल में स्टार्ट हो रही है। कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री जो कराई थी उसमें आपने देखे थे, कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लिए थे एंगल्स के। आज हमें आगे पढ़ना है, तो जो हम पढ़ चुके हैं उसकी बात हम नहीं करेंगे, आज हम आगे की बात करेंगे बच्चों। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। किसकी बात करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? वही जो आप क्लास 10th में पढ़ करके आए हो, जिनका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। क्या नाम था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, उन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। सो दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके लिए डिफाइन होते हैं, कहाँ पर डिफाइन होते हैं? तो नंबर 1 बात आप लोग सब लोग जानते हो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन होते हैं। किस में डिफाइन होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आपके लिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ। ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, इसका नाम दे दो आप, इस वाले को जनरली आप ए बोलते हो, उसको बी बोलते हो, उसको क्या बोलते हो? सी बोलते हो। तो ये वाला कहलाता है एंगल ए और ये कहलाता है एंगल सी, और ये एंगल बी कितने डिग्री है? 90 डिग्री। सो एंगल बी 90 डिग्री है एंड ड्यू टू दिस राइट एंगल द एंगल इज, दिस ट्रायंगल इज सेट टू बी राइट एंगल ट्रायंगल। या एग्जैक्टली, सो हियर एंगल ए एंड एंगल सी आर सेट टू बी एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल। एंड वन मोर थिंग, एज वाई द एंगल सम प्रॉपर्टी यू नो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। नाउ एंगल ए प्लस एंगल सी को साथ में लाओ, और एंगल बी कितना ऑलरेडी? 90 है। एंगल बी कितना है? 90 है। सो इक्वल टू 180। नाउ 180 में से 90 माइनस करो, सो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितने डिग्री? 90 डिग्री। यस, तो बच्चों ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल। मतलब ए जो है और एंगल सी जो है उसका सम कितने डिग्री है? तो आप एंगल ए की बात करोगे इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस सी। और अगर एंगल सी की निकालोगे कितना हो जाएगा? 90 माइनस ए। मतलब एक दूसरे से 90 दोनों सम जो होगा 90 के इक्वल होगा, है ना? तो एक ए की बात करोगे तो ए कितना है? 90 माइनस सी। और अगर सी की बात करोगे तो कितना होगा? 90 माइनस ए। तो मैं सिंपली बोलूँगा अगर ये थीटा है तो ये वाला क्या होगा? 90 माइनस थीटा। और अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा? 90 माइनस थीटा। बिल्कुल सही है ना? मतलब एक दोनों का सम कितना है? 90। तो इन पेयर ऑफ एंगल को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्या बोलते हैं? हाँ, ये है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल के बाद हम आपको अब बता रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन। ओके, क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, चिन्ह बता रहे हैं आपको, है ना? तो टॉपिक क्या बनेगा? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन दिखाने के लिए मैं आपको क्वाड्रेंट बनाता हूँ, क्वाड्रेंट के बाद आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये एक है, ये स्ट्रेट लाइन दो हो गई है। अब यहाँ पे देखिए कितना है? 0 डिग्री, और यहाँ पे कितना है?
90 डिग्री, यहाँ पे कितने डिग्री 180 और यहाँ पे है 360। ओके अब यदि मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई एंगल बनाया है, दिस एंगल इज कितना हो गया ये थीटा, एंगल थीटा है। ओके तो देखिए ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बन चुका है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपके पास मान लो कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट पॉइंट है पी, क्या पॉइंट है पी, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं एक्स कोमा वाई। आप महसूस करो इस बात को कि एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो एक्स क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा एक्स बी, और यहाँ पे वाई क्या होगा पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होगा, यस और नो। ओके अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये देखिए क्या बन गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये बनेगा हाइपोटेनस, जिसको आप कह सकते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, कह सकते हैं ना, ये एक्स है ये वाई है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए, अब आपके पास जो साइन थीटा बनता है, सब लोग जानते हो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों गौर करने वाली बात यह है कि देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये तो हो गई पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है, मतलब ऑल पॉजिटिव क्या होंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, चाहे साइन थीटा निकालो, बिकॉज पी भी पॉजिटिव है एच भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो ये भी क्या आएगा प्लस ही आएगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो ये क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं पॉजिटिव, यस। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं ए फॉर ऑल, ए फॉर ऑल। अब आ जाओ भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में, चलो पेन चेंज करता हूँ मैं, दूसरा एंगल दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये देखो ये आ गया, आ गया ठीक है ना, ये एंगल बन गया। क्या हुआ है इस एंगल में, ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गए हो, पहले आपने यहाँ से लेके यहाँ चला, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या 90 है कि नहीं बताओ, पहले तो 90 है ना, है ना जी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 90 है कि नहीं है, बोलो बोलो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 90 है, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, और 90 के बाद आगे एंगल चल गए थीटा, कितना चल गए टोटल एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा, और आप आ गए हो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए आप, सेकेंड क्वाड्रेंट, दिख रहा है बेटा, तो आप जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में आके बैठे हुए हो, आ गए हो ना। अब यहाँ पे देखो, अगर ये पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, तो एक्स जो होगा अब क्या होगा निगेटिव, बिकॉज एक्सिस के लेफ्ट साइड है, और वाई क्या होगा पॉजिटिव, तो एक्स क्या भाई साहब अपना बेस है ना, एक्स क्या है बेस, तो जिन जिन में बेस आएगा वो क्या हो जाएंगे निगेटिव, वो क्या हो जाएंगे निगेटिव। तो देखिए अपने पास देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो प्लस है इसमें, हाइपोटेनस भी क्या है प्लस, तो मतलब साइन थीटा वही रहेगा, साइन थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा। बट यदि आप कॉस की बात करो, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा, अगर इधर पे प्लस 3 आ रहा था तो इधर पे कितना आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा, मतलब कॉस थीटा क्या हो गया निगेटिव हो गया, कॉस थीटा क्या हो गया निगेटिव हो गया, आगे बस समझ में ना, तो मतलब बेस के निगेटिव होने के कारण यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा निगेटिव। ओके ओके तो यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस थीटा निगेटिव, यहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा साइन थीटा पॉजिटिव होगा। ओके और कौन कौन में बेस आता है, टेन थीटा, तो देखा जाए तो यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव था, बोलो हाँ। अब यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा बोलो पॉजिटिव, बोलो यस, कॉस थीटा क्या होगा बोलो निगेटिव, क्योंकि कॉस में बेस आता है साइन में नहीं आता, टेन थीटा क्या होगा बोलो, वेरी गुड, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, कोस का उल्टा सेक होता है, सेक भी क्या होगा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा क्या होगा बोलो, समझ में आ गया। तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव है और कोसेक पॉजिटिव है, ओके, मतलब ये देखा जाए तो किसका घर है ये, साइन का मायका है, किसका मायका है ये साइन का। तो मैं लिखता हूँ ए के बाद ये वाला जो क्वाड्रेंट है किसका है, एस का घर है, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव। अब देखते हैं तीसरे वाले में, तीसरा एंगल देख लो, जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले में आप ये देखो ये गया,
गया, बोलो जी, ये गया। अब यदि यहाँ पे तीसरे वाले में मैं ये लेकर के आया हूँ, तो ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर भी निगेटिव है कि नहीं है, और बेस भी निगेटिव है, ये सुनो, परपेंडिकुलर भी निगेटिव है और बेस भी नेगेटिव। तो साइन जो होता है, साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस वाले में साइन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कॉस थीटा में क्या आता, बेस आता है, तो बेस भी नेगेटिव हो जाएगा, बोलो यस और नो। बट टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, टेन थीटा का, यहाँ पे टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, और लास्ट लास्ट वाला फोर्थ क्वाड्रेंट, ये देख लो, फोर्थ क्वाड्रेंट जो है ये बन गया अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट देखो क्या है, नेगेटिव बेस, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, साइन ये नेगेटिव है, तो साइन थीटा इक्वल टू देखो परपेंडिकुलर नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, यही तो है परपेंडिकुलर, तो नेगेटिव अपॉन बेस, ये क्या है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, बोलो क्या आ गया, नेगेटिव, साइन थीटा नेगेटिव हो गया। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेटा ये है बेस, बेस क्या है, पॉजिटिव है, और हाइपोटेनस क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है ना। टेन थीटा, बोलो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव, और बेस क्या है, बेस क्या है, बेस कैसे, बेस बेस पॉजिटिव है और परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही है, बेस पॉजिटिव है, तो आंसर कितना आ गया, नेगेटिव, मतलब किसका घर है, कॉस का, किसका घर है, कॉस का, तो ये कॉस थीटा का घर है, ठीक है ना। तो मैं इसको कैसे याद करता हूँ, ए एस टी सी, कैसे याद करता हूँ, ए एस टी सी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या एड शुगर टू कॉफ़ी, एड शुगर टू कॉफ़ी, है ना। मतलब कि बच्चों क्या सीखा बनने, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या, कॉस, मतलब ये सबका घर, ये साइन का घर है और ये टेन का घर है और ये किसका है, कॉस का घर है। तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा, यहाँ टेन पॉजिटिव होगा, कॉट पॉजिटिव होगा, और यहाँ कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा। बहुत बढ़िया, ये हो गया, आ जाओ देख लेते हैं। तो ये बने अपने क्वाड्रेंट, क्या बने ये क्वाड्रेंट, देखो फर्स्ट में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है, फर्स्ट में कौन है, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट है, कितना होगा, ये जीरो है, ये 90 डिग्री है, ओके 90 डिग्री मतलब कितना, पाई बाई टू, पाई बाई टू कल पढ़ा था ना, 90 डिग्री में पाई बाई टू रेडियन, ये कितना है, पाई, है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो किसका घर है, साइन का, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो साइन पॉजिटिव है और साइन का उल्टा कौन, कोसेक, बाकी सब के सब क्या है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है और ये देखो टेन पॉजिटिव है, उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। और आपके पास फोर्थ, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या हो गए, नेगेटिव। बोलो समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइन का पता लगाते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, सेकेंड में कौन पॉजिटिव है, थर्ड में कौन पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब चलो एक नया टर्म आता है जिसका नाम है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन क्या है और रेंज क्या है, ठीक है ना। तो जानते हैं थोड़ा सा, हमें ध्यान लगाना पड़ेगा डोमेन एंड रेंज, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, याद नहीं करो ध्यान करना पड़ेगा, डोमेन एंड रेंज। ओके, डोमेन एंड रेंज का ऐसा मतलब समझो बेटा, मैथ्स में जैसे मैंने कहा मैथ्स में y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू साइन x, देखो क्या हो रहा है, मतलब वेरिएबल क्या है, x है, y क्या है, ये भी वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या बेटा, हाँ y है डिपेंडेंट वेरिएबल, और साइन क्या है, रूल, साइन क्या है, रूल, मैथमेटिकल रूल।
तो जो मैथमेटिकल रूल लगता है किसी वेरिएबल पे, उसको बोलते हैं, उस रूल को बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं उस रूल को? फंक्शन। बोलो यस और नो, उस रूल को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। ठीक है ना? हाँ। अब ये रूल फंक्शन, ये रूल हो गया। चलो समझो कैसे, थोड़ा सा समझो। आपके पास कुछ मैं वेरिएबल दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, और रूल लगाने के बाद आपको निकालना है y इक्वल टू साइन x, y इक्वल टू साइन x। चलो वेरिएबल ले लो, 30 डिग्री पढ़ के आए हो, 45 डिग्री पढ़ के आए हो, 60 डिग्री पढ़ के आए हो। अब ये इनपुट्स हैं, क्या है ये इनपुट्स, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। इस पे आपको लगाना है साइन रूल। सो लेट्स अप्लाई साइन 30 डिग्री। बोलो बच्चे कितना हो गया? 1/2 हुआ कि नहीं हुआ? साइन लगाना है किस पे? 45 पे। बोलो कितना हो गया? 1/√2। फिर क्या लगाना है? 60 लगाना है। साइन कितना? 60√3/2। ठीक है, आप देख रहे हो कि इनपुट पे इस रूल को लगाने पर कुछ ना कुछ नया बन के आ रहा कि नहीं आ रहा है? बोलो यस, जोर से बोलो। हाँ, इस इनपुट पे कोई ना कोई रूल लगाने पे कुछ ना कुछ नया बन के आ रहा है। ये जो रूल कहलाता है, ये जो मैथमेटिकल रूल कहलाता है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? जो आप इनपुट देते हो वो कहलाता है डोमेन। क्या कहलाता है? जो आउटपुट निकलता है वो कहलाता है रेंज। क्या कहलाता है? रेंज। देखो मैं बनाता हूँ एक डायग्राम, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। यस, ये फंक्शन है, ये है इनपुट की फैमिली। इनपुट की फैमिली, फैमिली को बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं? सेट। ये इनपुट सेट है। मैंने इसमें रखा कितनी डिग्री? 30 डिग्री। यहाँ मैंने कितना रखा? 45 डिग्री। और यहाँ पर कितना रखा? 60 डिग्री। और यहाँ से लेके यहाँ मैं एक रूल चला रहा हूँ, उस रूल का नाम है साइन रूल। क्या नाम है? साइन। यस, दिस इज साइन फंक्शन। साइन अप्लाई हो रहा किस पे? इनपुट पे। अब देखो 30 डिग्री पे साइन लगा, बोलो किस में बदल दिया? 1/2 में। 45 डिग्री पे साइन लगा, बोलो कैसे बदल दिया? 1/√2। और 60 डिग्री पे साइन लगा, बोलो कैसे? हाँ बेटा, तो ये कहलाता है हमारा फंक्शन। क्या कहलाता है? किसी चीज़ पे ऑपरेट होगा और वो नई चीज़ बन जाएगी। ठीक है ना? तो फंक्शन को आप एक चक्की की जैसे समझो। चक्की देखिए, मिल है ना, गेहूँ पीसता है ना जिसपे, यस उसी को चक्की बोलते हैं। तो ये देखो एक चक्की है और ये इसका चक्की घूम रही है। बोलो हाँ, चक्की क्या है? घूम रही है। इस घूमने का फंक्शन का नाम है पीसना। क्या नाम है? पीसना। तो चक्की में कौन सा फंक्शन लगता है? पीसना। बिल्कुल पीस देती है। अब अगर आप इसमें गेहूं डालोगे तो क्या मिलेगा? आटा। तो गेहूं हो गया इनपुट है ना, आटा हो गया आउटपुट, और फंक्शन क्या हो गया? पीसना। तो पीसना फंक्शन किस पे लगेगा? गेहूं पे कि आटे पे? गेहूं पे। तो हम कहेंगे फंक्शन एक्स पर। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है? पीसो। किसको पीसो? गेहूं को पीसो, और बदले में आउटपुट मिला क्या? मिला आटा। क्या मिला? आटा मिल गया। चलो इनपुट बदल दो, क्या डाल दो? चने डाल दो। क्या डाल दो? चने। क्या मिल जाएगा? बेसन मिल जाएगा। हाँ या ना? yes, है ना। चावल डाल दो, मैदा मिल जाएगा, और भी जो भी चीज़ें होती है। हाँ, चावल का आटा। हाँ या ना? तो क्या हो रहा है? इनपुट बदल रहे, आउटपुट बदल रहा है। बदल रहा है ना, इनपुट बदल रहे, आउटपुट बदल रहा है। सेट ऑफ इनपुट, सेट ऑफ इनपुट के सेट को हम बोलते हैं डोमेन, आउटपुट के सेट को क्या बोलते हैं? रेंज। यस, तो सेट ऑफ इनपुट इज कॉल्ड डोमेन। ओके, सो व्हाट इज डोमेन? हाँ, सेट ऑफ वैलिड इनपुट, वैलिड इनपुट। अब आप कहोगे सर आपने वैलिड वर्ड क्यों जोड़ दिया? गेहूं डाला, चना डाला, चावल डाला, सही है, तुमने पत्थर डाल दिया। क्या डाल दिया? क्या हुआ? चक्की खराब हो गई। चक्की क्या हो गई? ऐसा इनपुट जो कि चक्की को खराब कर दे, वो कभी डोमेन में नहीं आएगा, वो कभी डोमेन में नहीं आएगा। इसलिए इसका नाम लिखता है सेट ऑफ वैलिड इनपुट। फंक्शन का मतलब ये नहीं कि जो चाहो करवा लो, फंक्शन की भी एक लिमिट है। यस और नो? क्लियर हुआ? सेट ऑफ वैलिड इनपुट। नाउ रेंज, भाई हम भी खाते हैं, कुछ फिक्स चीज़ें खा सकते हैं, पत्थर थोड़ा ना खा लेंगे। हमारा भी डाइजेशन सिस्टम कुछ फिक्स चीज़ों को ही पचाएगा। बोलो यस और नो? हमारे भी इनपुट फाइनाइट हैं, कुछ निश्चित हैं, पत्थर तो नहीं खा सकते हम। बोलो यस और नो? अगर पत्थर खाया तो हमारी सिस्टम फेल हो जाएगा। यस और नो? तो हमारे जो वैलिड इनपुट है, जो हम खाते हैं, हमारे वैलिड इनपुट हैं। नाउ रेंज, वैलिड आउटपुट।
वैलिड आउटपुट नहीं, वो आउटपुट ही है, क्योंकि जब इनपुट वैलिड दोगे तो आउटपुट तो निश्चित आना ही है. सो दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ आउटपुट, इज कॉल्ड रेंज, इज कॉल्ड रेंज. यस, समझ में आया ना, इज कॉल्ड रेंज. तो दुनिया का हर फंक्शन, जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, x है इनपुट और y है आउटपुट, समझ गए ना. x की वैल्यू आप दोगे और y की वैल्यू फंक्शन देगा, x पे फंक्शन लगेगा और y की वैल्यू आपको. सो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दिस इज कॉल्ड फंक्शन, साइन फंक्शन लग रहा है. ओके, अब हमें पता करना है इसका डोमेन क्या है और इसका रेंज क्या है. हमें पता लगाना है डोमेन क्या है और रेंज क्या है. तो हम बात कर रहे हैं डोमेन एंड रेंज के बारे में, फंक्शन के डोमेन एंड रेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो बेटा ये जो टेबल है, ये टेबल आपको ज़िंदगी भर काम में आनी है. जब तक आप पढ़ाई करोगे ये टेबल आपको काम में आनी है. इसलिए ये टेबल आपको फोटो करके इसको बना के अपने सामने रखना है. 11th पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे, IIT करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, जो भी करोगे ये टेबल आपका कभी पीछा छोड़ने वाली नहीं है. ठीक है, मैं एक दो बताए देता हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं, ये आता कहाँ से है, फिर उसके बाद आप जो है इसको बना सकते हो. ठीक है ना, एक दो इंटरेस्ट के लिए बता देता हूँ कि यार आखिर ये आता कहाँ से, डोमेन क्या है, रेंज क्या है. आ जाओ देखते हैं. तो डोमेन और रेंज निकालते हैं हम साइन एक्स की. ठीक है ना, तो अब हम निकालने वाले हैं साइन एक्स का डोमेन एंड रेंज. डोमेन मतलब वैलिड इनपुट और रेंज मतलब आउटपुट, रेंज मतलब आउटपुट. इसके लिए हम लेते हैं एक यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल मतलब एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस कितनी हो, एक सेंटीमीटर, कितनी हो, एक यूनिट. यस, द रेडियस इज वन यूनिट. अब चाहे सेंटीमीटर ले लो चाहे मीटर ले लो, वन यूनिट है. बनाते हैं एक सर्कल. तो ये बन गया हमारा सर्कल, बन गया. ठीक, ठीक, क्लियर है. नाउ ये है हमारा एक कंप्लीट सर्कल बेटा. ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस. यूनिट सर्कल है मतलब इसकी रेडियस कितनी है, वन यूनिट. तो अपन ने पढ़ा है ये पॉइंट होता है 1.0, 0, -1, 0, बहुत बढ़िया. अब यहाँ से मैं एक एंगल बना रहा हूँ, ये गया वो एंगल. ओके, ये लिखा मैंने थीटा, क्या लिखा मैंने, ये कोऑर्डिनेट का पॉइंट मैं लेता हूँ एक्स कॉमा वाई. प्रोजेक्शन करो, ये गिराया प्रोजेक्शन. एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल जो होती है उसको क्या बोलते हैं, और ये जो सामने की ये डिस्टेंस आएगी इसको हम क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे. और सर्कल यूनिट है तो रेडियस ये जो दिख रहा है ये कितना होगा बोलो, वन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अरे रेडियस वन है ना, तो ये भी तो रेडियस ही है कि नहीं है, तो ये भी कितना होगा, वन. चलो अब मजे की बात देखते हैं क्या है. साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, होता कि नहीं होता. तो इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना है बेटा, वाई है कि नहीं है, जोर से बोलो, है.
हाइपोटेनस कितना है, 1 है कि नहीं है, ये देखो हाइपोटेनस यही तो है बेटा, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस हुआ, जी भर के देखो, हाँ बोलो यस। इस एंगल के सामने की, एंगल के सामने की साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, हुआ ना भाई, ये बेस होता है जो चिपका हुआ होता है, तो वाई अपॉन वन हुआ, तो मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन वन बोले तो वाई ही तो हुआ, मतलब साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, यस और नो, है इक्वल वाई के। अब चलो देखते हैं अब होगा असली खेल, अब हम आपको प्लॉट कराते हैं साइन थीटा का ग्राफ, साइन थीटा का ग्राफ आपने देखा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया है वाई, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना वाई, सोचो अगर ये थीटा कम होता जाएगा, इधर आ गया ये, इधर आ गया, बोलो छोटा हुआ कि नहीं हुआ, बोलो छोटा हुआ कि नहीं हुआ, और छोटा हुआ, बोलो देखो थीटा छोटा हो रहा कि नहीं हो रहा है, और नीचे आ गया जीरो डिग्री पे आ गया, जीरो डिग्री पे आ गया, तो ये जो y था ये जो ऊपर का लेंथ था परपेंडिकुलर छोटा हुआ कि बड़ा हुआ, तो छोटा होते होते जब ये y में चिपक जाएगा इसके ऊपर जीरो डिग्री में, तो y की वैल्यू कितनी, वेरी गुड, तो पहली वैल्यू साइन अगर आप जीरो डिग्री दोगे तो साइन जीरो डिग्री पे आंसर कितना, चलो आप साइन को ले जाओ 90 डिग्री पे बढ़ाते हुए, ये ले गए 90 डिग्री पे बढ़ाते हुए, बोलो हाँ, तो 90 डिग्री पे जो y है ये जो है ये ऊपर बढ़ते बढ़ते टच के लिए वन को किया कि नहीं किया, मतलब y की वैल्यू कितनी चली गई, 1, कितनी चली गई 1, तो मैं ये 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो, खींच दूँ, ठीक है, मैं 1 के करस्पॉन्डिंग एक यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ जिससे कि बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो, ये 1 के करस्पॉन्डिंग एक लाइन खींच दिया, बोलो हाँ, ठीक है, अब एक मैं -1 के करस्पॉन्डिंग भी लाइन खींच दूँगा क्योंकि उसकी मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी, ये -1 के करस्पॉन्डिंग लाइन खींच दिया, खींच दिया, अब देखो भाई साहब ये जीरो है, साइन जीरो जीरो है, अब मैं चल रहा हूँ साइन 90 पे कितना हो गया बोलो 1, जैसे मैं 90 ऊपर टच किया था साइन 90 डिग्री गया था, 90 डिग्री पे कितना हो गया था 1, अब चलो नीचे चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, हाँ या ना, देखो ये एंगल बढ़ गया, एंगल बढ़ा ना, सेकेंड क्वाड्रेंट पहुँच गया, बोलो वैल्यू कितनी हो गई 1, पहले ही 1 थी, अब कम हो रही है ना वाई की वैल्यू, दिख रही है नहीं दिख रही है y की वैल्यू, ये देखो छोटी हो रही है, यही तो है y, छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और छोटा, 180 पे आने पर बोलो कितनी हो गई, बिल्कुल सही, चलो भाई साहब फिर से घट जाओ, ट्वी जीरो हो गया, ये 180 पे आ गया जीरो, 180 को अपन क्या बोलते हैं, पाई रेडियन, क्या बोलते हैं, भूल गई हो तो 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, कल बताया था 180 से वाई एंटी कैंसिल हो गया, बोलो कितना हो गया, पाई हुआ, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नीचे की तरफ जाएंगे, ये देखो एंगल बढ़ना शुरू हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, यस और नो, ओके थर्ड क्वाड्रेंट, मन में घंटी भूड़ी, क्या बोल क्या बताया था, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं होता है, चलो तो थर्ड क्वाड्रेंट में चलने को तैयार हैं अपन, ये थर्ड क्वाड्रेंट में गए, चलो ये देखो वाई की वैल्यू नेगेटिव हुई कि नहीं हुई, और नेगेटिव और बढ़ रही है वैल्यू, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, फाइनली जा करके 270 डिग्री पे कितनी हो गई, क्या है ये कितना है, कितनी वैल्यू हो गई इसकी परपेंडिकुलर की, टच कर गया ना, कितनी वैल्यू हुई बताइए, -1, बहुत अच्छा गैस लगाया, बहुत बढ़िया गैस, बिल्कुल सही, तो -1 को टच कर गई है कितने पे, 270 डिग्री पे, कितने पे 270 डिग्री, मतलब कि डेरिडियन में बदलो पाई अपॉन 180, जीरो से जीरो कैंसिल, बोलो हाँ, है ना, 9 से 3 बार, 9 से 2 बार आंसर बोले तो कितना 3π/2, तो यहाँ पर 3π/2 पर कितनी डिग्री हो गई, तो 3π/2 पर 1 हो गई, 1 हो गई, और इसके बाद चलो फिर से बढ़ना शुरू करो, बोलो y की वैल्यू कम होना शुरू कि बढ़ना शुरू,
ये है वाई, है ना। फिर से कम होना शुरू, और कम और कम और कम, 360 पे आ करके चिपक गया फंक्शन, ये लो। वन साइकिल कंप्लीटेड ऑफ द फंक्शन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, पूरा हो गया। और यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, जीरो। क्या हो गई वैल्यू, जीरो। ठीक है, अगला चक्कर फिर से चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि एंगल कभी ख़त्म नहीं होता है। ये फिर से अगला चक्कर चलता रहेगा, फिर से ज़िंदगी रिपीट होती रहेगी, बोलो हाँ ना। अब देखो भाई साहब, ये पीछे भी लाओगे तो पीछे भी चलेगा, पीछे मतलब क्लॉकवाइज एंगल, पीछे मतलब क्लॉकवाइज, क्योंकि अभी ऐसे चल रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज थे, और नीचे की तरफ जाओगे तो क्या हो जाएंगे, क्लॉकवाइज, तो पीछे भी जाता जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसका डोमेन क्या है, डोमेन मतलब वैलिड इनपुट, इधर भी ये चला जाता जाएगा, बोलो हाँ। इधर भी सब कुछ खाएगा, इधर भी सब कुछ खाएगा, मतलब इसे मैं बोलता हूँ कयामत से कयामत तक, शुरू कहाँ अंत कहाँ कोई पता नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑल रियल नंबर। क्या बोलते हैं, ऑल रियल नंबर। जब आप सेट थ्योरी पढ़ोगे तो मैं बताऊँगा ऑल रियल नंबर को लिखते हैं हम लोग माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्लियर हुआ। सो इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। क्या है डोमेन, डोमेन। सो इस डोमेन इज ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या है, कुछ भी खाएगा, मगर आउटपुट कहाँ से कहाँ है, देखो आउटपुट यानी वाई एक्सेस, आउटपुट यानी वाई एक्सेस, क्यों, क्योंकि फंक्शन का नाम था वाई इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स। इनपुट की कहानी किसके पास है, एक्स के पास है, आउटपुट की कहानी किसके पास है, वाई के पास है। तो भैया वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ मिल रही है, प्लस वन, और नीचे कितना, माइनस वन, हद से हद माइनस वन, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लस वन। तो रेंज क्या हो गई, माइनस वन टू प्लस वन, तो रेंज होगी माइनस वन से लेकर के प्लस वन। इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं इसे, जो चीज़ आप हाथ लगा सकते हो वो क्लोज है, और जो चीज़ आप छू नहीं सकते हो वो ओपन है, बोलो हाँ। दुनिया का सबसे बड़ा नंबर पता नहीं है, दुनिया का नंबर सबसे छोटा नंबर पता नहीं है, बस एक हाइपोथेसिस है कि कुछ ना कुछ होता होगा, बोलो हाँ। इसलिए इन्फिनिटी कोई पकड़ नहीं सकता है, बोलो हाँ है ना। आसमान में तारे अनगिनत हैं, कोई फिक्स नंबर नहीं है, है ना, इसलिए ओपन इंटरवल। बट रेंज पक्का पता है प्लस वन से लेके माइनस वन, और ये दोनों अप्रोचेबल भी है, इसलिए इसका रेंज होगा माइनस वन टू प्लस वन, वो क्लियर हुआ। तो ये बन गया इसका ग्राफ, और ये हो गई इसकी डोमेन, और ये हो गई इसकी रेंज। तो रेंज क्या है साइन एक्स की, आर, रेंज सॉरी डोमेन है आर, और रेंज कितनी है माइनस वन टू प्लस वन, बोलो क्लियर है। तो ये है देखिए आपका, ये देख लीजिए आपने, ये हो गया डोमेन है आर, और रेंज है माइनस वन टू प्लस वन, बोलो क्लियर, एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये आपका फंक्शन, इस तरीके से आपका फंक्शन डिज़ाइन होता है, ठीक है ना। डोमेन और रेंज जो है, इस तरीके से आपका डिज़ाइन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब आपको कोस का करना है, टेन का करना है, कॉट का करना है, सेक का करना है, कॉसेक का करना है। ये एलेवेंथ क्लास के लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, देखा जाए तो आप इसको करोगे एलेवेंथ क्लास के क्वेश्चन, इसके बगैर आइडिया के भी आपसे बन जाएंगे, मगर जेई के क्वेश्चन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे की पढ़ाई के लिए ये आपका बहुत बेसिक है, बोलो क्लियर है। तो उसके लिए आप ये पढ़िएगा, इसका शीट बनाइए, ऐसे कोसाइन का फंक्शन बनाइए, ऐसे टेन का फंक्शन बनाइए, खुद से प्लॉट करिए। नहीं बनता है तो मुझसे पूछिए कि सर इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। इसको प्लॉट करने की कोशिश कीजिएगा आप, एक मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, बाकी भी ऐसे ही करना है। चले आगे, चलो हाँ, एनी क्वेश्चन। अब आगे ये आपके सामने कुछ एंगल दिख रहे हैं, अब आप कहोगे सर एंगल तो हमने याद किए थे, कितने, जीरो से लेके 90 तक, करे कि नहीं करे, लास्ट ईयर करे, जीरो से लेके 90 तक। अब आपको कुछ डिफरेंट एंगल भी यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे जीरो डिग्री ये तो पता है, फिर 15 डिग्री नहीं पता, 18 डिग्री नहीं पता, 30 डिग्री पता है, 36 नहीं पता, 45 पता है, 60 पता है, 90 पता है, मतलब दो लोग नए आ गए, तीन लोग, 15 आ गया, 18 आ गया, 36 आ गया, आ गया। ये वैल्यू बच्चों आपको याद रहे तो अच्छा है, याद रहे तो अच्छा है, ना भी याद रहे तो डोंट वरी, हम आपको थोड़ी देर में निकालना सिखा देते हैं, हम आपको थोड़ी देर में निकालना सिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ओके। ये वैल्यू हम आपको निकालना सिखा देंगे, ठीक है ना। चलिए अब
अब हम बात करते हैं एलाइड एंगल्स की, एलाइड एंगल्स रिलेटेड एंगल्स, एलाइड रिलेटेड एंगल्स मतलब कि अब वो कैसे हैं मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहले मैं एलाइड एंगल पढ़ाने के पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल्स, मतलब साइन का, या कह लो नेगेटिव एंगल फार्मूला कह लो इसको, क्या कह लो, नेगेटिव एंगल फार्मूला। आइए देखते हैं क्या है भाई ये बात। तो मैं हेडिंग डालता हूँ फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल्स। आपको मैं एक ट्रायंगल बना के दे रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए एक ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है एंटी क्लॉकवाइज, ये सुनो मैंने कहा ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, क्लियर है। यह एक काम करो इसको छोड़ दो, इसको लिखो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस और ये है बेस, ठीक है ना। ये जितना एंगल ऊपर है उतना ही एंगल आपने नीचे की तरफ बनाया, बन गया। फर्क क्या है, ऊपर है प्लस थीटा और नीचे क्या है माइनस थीटा। तो अगर ऊपर की तरफ प्लस पी है तो बोलो नीचे की तरफ कितना होगा, होगा कि नहीं होगा। ये तो थीटा है, ये माइनस थीटा है। अच्छा बेस तो इधर भी बी है और नीचे वाले के लिए भी बी होगा, और हाइपोटेनस तो नेगेटिव होते ही नहीं है, बोलो यस कि नो। अब देखो मैं कहूँगा साइन थीटा, आप कहोगे सर वेरी सिंपल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, और मैं कहूँगा साइन माइनस थीटा, तो आप बोलोगे सर सर माइनस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना, माइनस पी है कि नहीं है, माइनस पी अपॉन हाइपोटेनस एच है कि नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन का माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट करके पी अपॉन एच, बोलो यस कि नो, माइनस बाहर ले लिया ना। और पी अपॉन एच किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल, मतलब साइन माइनस थीटा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्या, साइन थीटा, समझ में आया। मतलब जो नेगेटिव एंगल का थीटा होता है साइन में वो माइनस साइन बाहर फेंक देता है, वो माइनस साइन क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। क्लियर हुआ कुछ, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसका फ़ायदा क्या है, मैं आपसे बोलूँगा साइन माइनस थर्टी की वैल्यू निकालो, अरे हमने कभी पढ़ी नहीं, बट डोंट वरी अभी मैंने सिखाया आपको साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन बाहर फेंकिए, साइन थर्टी माइनस का हो गया, बोलिए माइनस का साइन थर्टी बोलो कितना होता, वन अपॉन, आंसर कितना आ गया, खत्म कहानी, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई टू, एनी प्रॉब्लम, ठीक बहुत बढ़िया। तो ये हो गई साइन माइनस थर्टी, ऐसे कोई भी एंगल हो माइनस का आप निकाल सकते हैं। ये तो साइन की बात कर ली, चलो कॉस की बात कर लें, किसकी बात कर लें, कॉस की बात कर लें। तो डायग्राम फिर से बनाता हूँ मैं, ये देखिए डायग्राम, ये हो गया ऊपर का एंगल, ये हो गया नीचे का एंगल, होए कुछ ज़्यादा ही उल्टा बन गया, सही करता हूँ इसको, चलो हो गया ऊपर प्लस थीटा और नीचे कितना माइनस थीटा। यहाँ क्या है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, यहाँ पे माइनस परपेंडिकुलर, बेस तो सही है, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। चलो भाई साहब कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाँ या ना। अब कॉस माइनस थीटा लेता हूँ, कॉस का माइनस थीटा इक्वल टू, बोलो कॉस माइनस थीटा में बेस क्या है, प्लस बी की माइनस बी, प्लस बी, वेरी गुड। हाइपोटेनस क्या है, प्लस प्लस एच ही है, मतलब मजे की बात है, कॉस का माइनस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच कितना है, कॉस थीटा, मतलब कॉस माइनस साइन को खा लेता है, डकार भी नहीं लेता, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कोई एंगल में चेंज नहीं आएगा, कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कितना, कॉस थीटा ही होगा। तो किसी ने मुझे डराने के लिए सवाल लिया कि कॉस माइनस थर्टी की वैल्यू बताओ, नो प्रॉब्लम, आंसर कितना, कॉस थर्टी ही होगा, क्योंकि माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू। तो दो वेराइटी की चीज़ें देखी आपने, एक ने जिसने माइनस साइन बाहर फेंक दिया, और एक ने जिसने माइनस साइन खा लिया, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया माइनस के लिए। तो ऐसा फंक्शन जो माइनस साइन को बाहर उगल देता है, ऐसे फंक्शन को बच्चा हम बोलते हैं ऑड फंक्शन, क्या बोलते हैं बेटा, ऑड फंक्शन, क्या बोलते हैं। और ऐसा फंक्शन जो माइनस साइन को खा लेता है बिना किसी रिस्पॉन्स के, उसको हम बोलते हैं बेटा इवन फंक्शन, क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। तो एक है ऑड फंक्शन, एक है इवन फंक्शन, ठीक है। तो ये हुई कहानी इवन की और ऑड की, नोट करिए इसको। तो बच्चों ये थे हमारे कंसेप्ट किसके, इवन फंक्शन के और ऑड फंक्शन के।
अब देख लिया आपने साइन, देख लिया कॉस, देख लिया, चलो टेन पर चर्चा हो जाए, है ना। अच्छा एक चीज़ मैंने क्या बताई बेटा आपको कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसको देख करके आप मुझे एक बात तो बता ही सकते हो, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू बोलो क्या होगा? बिल्कुल सही था, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक है, तो जैसा साइन का बिहेवियर वैसा कोसेक का बिहेवियर। चलो भाई अगला मैंने क्या बताया, कोस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू बोलो, हाँ सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन आया बच्चों को डराने के लिए कि सेक माइनस 60 क्या होगा, बोलो नो प्रॉब्लम, सेक 60 होगा, हाँ या ना। और सेक 60 कितना होता है? 2 होता है, बिल्कुल सही, कॉस 60 का उल्टा 2 हो जाएगा। अगला मैं बोल रहा था साइन हो गया, कोस हो गया, चलो 10 की बात कर ली जाए। अब 10 बताना है तो फिर से वही ट्रायंगल बनाऊंगा, ऊपर का प्लस थीटा, नीचे का माइनस थीटा, ऊपर थीटा, नीचे माइनस थीटा, ऊपर परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस, नीचे यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस, माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोलो यस नो। नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, और टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस पी अपॉन बी, दिस इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट पी अपॉन बी, या सो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ टेन थीटा, हाँ या ना। तो टेन माइनस थीटा यहाँ पे भी था, है ना, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, डन। सो कॉट माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉट, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। चलो पढ़ लिया, देखते हैं, यस चेक करो एक बार, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू सेक माइनस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, एंड कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, डन, क्लियर हो गया। तो ये निगेटिव एंगल फॉर्मूले हमारे पूरे हो गए कि नहीं हुए? चलो अब आते हैं अगला, जिसको बोलते हैं एलाइड और रिलेटेड एंगल, एलाइड और रिलेटेड एंगल। तो चलिए पढ़ते हैं हम एलाइड एंगल फॉर्मूले, एलाइड एंगल फॉर्मूले। है ना, इन्हें बोलते हैं मित्र दोस्त, मित्र फॉर्मूले, मित्र सूत्र। पढ़ा होगा आपने वर्ल्ड वार वन में एलिड आर्मी बनी थी, है ना, वर्ल्ड वार वन में एलिड एलिड आर्मी बन गई थी, जर्मनी एक तरफ हो गया था, इंग्लैंड इंग्लैंड एक तरफ हो गए थे ना, मित्र देश बन गए थे। तो बस वहीं से मुझे को एलिड का फॉर्मूला पता है, एलिड एंगल फॉर्मूला। देखते हैं एलिड एंगल फॉर्मूले क्या होते हैं बेटा, देखो समझो। अब हम अभी तक आप पढ़ रहे थे कि सर आप हमको बोलोगे साइन 30 डिग्री, तो हम बता देंगे आपको कि सर साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/2। बट मैं आपसे पूछूंगा अब साइन 150 डिग्री, अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो अब आपको हम पढ़ा रहे हैं एलिड एंगल फॉर्मूले, ठीक है ना। तो एलिड एंगल फॉर्मूले में सबसे पहले मैं आपको कुछ लॉजिक बता दूं। पहली चीज ये है कि मैं आपको डिग्री दिखा दूं, देसी सिस्टम जो अपन पढ़ते आए हैं, 0, 90 डिग्री, 270 और कितना 360 घूम करके वापस। अब रेडियन की बात करो, जीरो मतलब कितने रेडियन? 0 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन, पाई रेडियन, 3 पाई बाई 2 रेडियन और 2 पाई रेडियन। मैं क्या करता हूँ, टेबल पढ़ता हूँ पाई बाई 2 की, पाई बाई 2 जीरो जा जीरो, पाई बाई 2 वन जा पाई बाई 2, पाई बाई 2 टू जा पाई, पाई बाई 2 थ्री जा थ्री पाई बाई 2, पाई बाई 2 फोर जा टू पाई, पाई बाई 2 फोर जा टू पाई, बस। अब करते हैं सवाल, सबसे पहला मैं एंगल इधर ले करके चल रहा हूँ, ये 90 है, 90 में से अगर मैंने क्लॉकवाइज एंगल ट्रेवल किया थीटा, तो क्लॉकवाइज क्या कहलाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये जो एंगल बनेगा वो होगा 90 माइनस थीटा, यस और नो, क्लियर हुआ? 90 माइनस थीटा, डन बेटा, एनी प्रॉब्लम? अब देखो एक आपको रूल याद रखना पड़ेगा, जब भी आप इस लाइन को क्रॉस करो, ये वाली लाइन, समझ गए ना, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। जब आप इस लाइन को क्रॉस करोगे किस में चेंज हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, और सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में, समझ में आया?
ये लाइन 90 वाली, और अगर ये लाइन आप क्रॉस कर रहे हो 180 वाली, 360 वाली, नो चेंज। इस लाइन में बोलो क्या, नो चेंज। अब कैसे होता है ये देखो, मैं सारे फॉर्मूले तुमको बना करके दिखाता हूँ, जिसको आपने लास्ट ईयर याद किए या नहीं किए। अब आपको देखो, नंबर वन साइन 90 माइनस थीटा, इसी को बोलते हैं क्या, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। बोलो हाँ, कौन सी लाइन क्रॉस हो रही है, पाई बाई टू वाली है, पाई बाई टू से थीटा कम पे आ रहे हैं, मतलब चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। देखो मैं सारे बताता हूँ, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या है बोलो, कॉस, और पाई बाई टू माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट कौन है, थीटा, बताया था ना। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा, यस और नो। चलो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, वेरी गुड। टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा, बिल्कुल सही। सेक पाई बाई टू माइनस थीटा, कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा, ओके आया समझ में। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की, तो भाई साहब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ऑल पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ से आता है। अब चलो चलते हैं सेकेंड, 90 प्लस थीटा, बोलो हाँ 90 प्लस थीटा, ये 90 है कि नहीं है, ठीक चुक, आ गए हम 90 प्लस थीटा, यहाँ पे आ गए, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो चलो भाई साइन 90 मतलब पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉस प्लस थीटा, टेन कॉट सेक कोसेक, डन। चलो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, चेंज की नो चेंज, चेंज यार, पाई बाई टू है ना ये वाली लाइन, खड़ी लाइन है ना, चेंज, आड़ी लाइन मतलब नो चेंज। साइन किस में चेंज, कॉस में, कॉस थीटा, ये किस में चेंज, साइन थीटा, ये किस में, ये किस में, ये किस में, ये किस में, सेक थीटा, हाँ है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का, मतलब साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, आ गया समझ में ना। मतलब केवल ये चेंज होगा, ये चेंज होंगे सारे, और केवल ये दोनों में हाथ नहीं लगेगा। तो आँख मूंद करके आपसे कोई पूछे कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, आंसर आएगा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव, साइन का घर है ना, साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। चलिए फिर एक और हो जाए, अब आते हैं पाई वाली बात पे। ये देखिए, ये है पाई बाई टू, हाँ है ना, ये है पाई, ये है टू पाई, हम चलते हैं यहीं पर, हम इसको बोलते हैं पाई के पीछे, यानी पाई माइनस थीटा, पाई माइनस यहीं पर आ गए, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड, क्योंकि पाई प्लस थीटा मतलब यहाँ आता, और पाई माइनस थीटा मतलब पाई से पीछे थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया। बना लेते हैं साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, ठीक है ना, साइन कॉस टेन, और कौन सा है, साइन का उल्टा, कोसेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा। चलो भाई साहब, साइन पाई माइनस थीटा, पाई मतलब 180 माइनस थीटा, हाँ साइन में कौन सी लाइन है, ये लाइन है, चेंज की नो चेंज, नो चेंज मतलब साइन थीटा, मतलब कॉस थीटा, मतलब टेन थीटा, मतलब कोसेक थीटा, मतलब सेक थीटा, और मतलब कॉट थीटा, कहो हाँ या ना। अब साइन की बात आती, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड, सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर, साइन का, तो साइन में ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, बाकी सारे, आ गया समझ में, पक्का, चलो तो आँख मूंदो और डायग्राम बनाओ, विजुलाइज करो अपने मन पे डायग्राम, एक क्वाड्रेंट बनाओ अपने मन पे, ठीक है ना। चार क्वाड्रेंट दिख रहे हैं आपको, अब चार क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पाई माइनस थीटा दिख रहा है, हैं, यस बोलो जोर से,
हाँ पाई माइनस थीटा दिखने के बाद अब आपको फॉर्मूला लिखना है और जोर से आवाज में बोलना है। मैं पूछूंगा आपसे साइन पाई माइनस थीटा कितना, साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, गलत, नो चेंज ना, कॉस है ना, कॉस में कॉस पाई माइनस थीटा मतलब कितना होगा, माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन का घर है, बोलो हाँ नहीं है, साइन का घर है ना, तो साइन के घर में कौन कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कॉस एक होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, बिल्कुल सही, कॉट पाई माइनस थीटा, बिल्कुल सही, सेक पाई माइनस थीटा, हाँ कॉसेक पाई माइनस थीटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वाड्रेंट में चलते हैं, अगला क्वाड्रेंट है पाई प्लस थीटा, ये पाई है, थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं पाई प्लस थीटा, बोलो हाँ किसका घर, किसका मकान है ये, टेन का, टेन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे चेंज की नो चेंज, नो चेंज ये वाली लाइन है। चलो आ जाओ फिर देखते हैं, हाँ पहला फॉर्मूला साइन पाई प्लस थीटा, वेरी गुड, माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, माइनस कॉस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, वेरी गुड, माइनस ओनली टेन थीटा, फिर इसके बाद कॉसेक पाई प्लस थीटा, कॉसेक, बिल्कुल सही, माइनस कॉसेक थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, माइनस सेक थीटा, एंड कॉस कॉट पाई प्लस थीटा, कॉट थीटा, समझ में आ गया आपको, पूरा बनने लग गया। अब इसके बाद ये एंगल होता है थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, इधर जाओ इधर जाओ, चेंज होगा। अब चलिए चेंज करते हैं और फिर से वही पूछते हैं, चलिए साइन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, तो सबसे पहले तो कॉस थीटा रख दो, बोलो हाँ, अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ है, तो फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। चलिए तो फिर आंख मूंद करके फिर से जवाब दीजिए, साइन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, माइनस कॉस थीटा, कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, वेरी गुड, प्लस साइन थीटा, एग्जैक्टली, टेन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही, माइनस कॉट थीटा, कॉट थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, क्या बोले, फिर से सोचो, कॉट थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉट का घर नहीं है, क्या आएगा, माइनस टेन थीटा, सेक थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉस की कोसेक, कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा आएगा, सेक थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, कोसेक थीटा, एंड लास्ट कॉट थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, बिल्कुल सही, माइनस टेन थीटा है ना, तो कॉट ऑफ थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू कितना, माइनस टेन का थीटा। तो बच्चों ये थे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री, ओके, जितने हमारे एलिड एंगल थे पाई के रिस्पेक्ट में, टू पाई के रिस्पेक्ट में, ये सारे हमने क्या कर दिए, बना दिए। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है, टू पाई प्लस थीटा, क्या बात करेंगे, टू पाई प्लस थीटा, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, टू पाई है, और प्लस थीटा मतलब फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गए ना भाई साहब, तो मजे की बात है, आपसे कोई बोले साइन टू पाई यानी 360 प्लस थीटा, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये वाली लाइन क्रॉस हो रही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब साइन का वही रहेगा, बोलो आंसर कितना होगा, साइन थीटा, तो कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस थीटा, नो चेंज, टेन 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, और कॉसेक 360 प्लस थीटा, एज इट इज वही रहेगा, कॉसेक थीटा ही रहेगा, किसी में कोई चेंज नहीं आएगा, डन। तो ये है टू पाई प्लस थीटा। अब आपसे कोई कहे कि आप हमें वैल्यू बताइए कि साइन 750 डिग्री की, कितनी वैल्यू, साइन 750, बहुत ही सिंपल है, मूर्ख बना रहा है, देखो 360 का एक चक्कर और 360 का दूसरा चक्कर, 360 प्लस 360 हो गया कितना, हो गया साइन 720 हो गए, और बचा कितना, 30, बचा कितना, 30। इन चक्करों का कोई मतलब है क्या, गोल गोल घूमने का कोई मतलब नहीं है, आके तो वहीं पहुंच गए, मतलब ये किसी काम का नहीं, ये किसी काम का नहीं, काम का क्या है, ओनली 30 डिग्री, क्योंकि फाइनल एंगल आपका 30 ही काउंट होगा, यस और नो, क्योंकि अभी आपने बताया था कि साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा, तो ये तो कोई यूज़ का नहीं है ना, तो चाहे एक बार घूमो चाहे 10 बार घूमो, कोई यूज़ के नहीं है, तो आंसर कितना आएगा, साइन 30 यानी बोले तो कितना, 1/2, डन। तो ये रहा हमारा एलिड एंगल कॉन्सेप्ट।
चलिए बच्चों तो प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन करेंगे, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6? कह रहा cos x इक्वल टू -3/5। लियो भाई लिख लिया मैंने, बोर्ड पे देंगे सब बच्चे। cos x इक्वल टू -3/5, बहुत मजेदार बात है। cos x इक्वल टू -3/5, x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। भाई साहब x जो है लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना? सही बात है, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, तभी तो cos क्या है, नेगेटिव है, हाँ या ना? चलो भाई साहब, मतलब x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, मतलब सीन कुछ ऐसा है, ये है हालात, है कि नहीं है? ओके तो cos x इक्वल टू -3/5, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस बोलो कितना है, माइनस का 3, हाइपोटेनस कितना है 5। अब आपसे कह रहा बताइए बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, बाकी के अदर 5। तो चलो भाई साहब सबसे पहले लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर लापता है x, मान लो क्या मान लिया x, और लगा देते हैं हम लोग ये थीटा है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के दिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाँ या ना? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया कितना अपने पास, 5 का स्क्वायर 25। चलो यार एक लाइन फिर से लिख दो, तो x का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 25। तो x स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, बोलो कितना हो गया 16। x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4। जनता क्या बोलती है सिचुएशन देख करके, प्लस 4 या माइनस 4? बिल्कुल सही, यहां पर x इक्वल टू माइनस 4 जाएगा, क्योंकि x जो है क्वाड्रेंट के नीचे है, हाँ या ना? यही पहचानना पड़ेगा कि x की पोजीशन क्या बनेगी, तो x यहां पे कितना पड़ेगा, माइनस का 4। अब लिखना है हमको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पता चल चुका है ट्रायंगल की स्थिति क्या है, एक है अपने पास में -3, यस। अच्छा जी, आपने फिर कन्फ्यूजन पाल लिया है, इन्होंने कहा बेस प्लस में रहता है, देखिए बेस प्लस में नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स लाइज इन, हाँ तो जब आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ये एंगल एक्स है आपका, जब एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो इसे तो निगेटिव होना पड़ेगा ना, यस और नो? तो आपका एंगल एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट में है ना बच्चों, तो जब एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जाने के लिए परपेंडिकुलर भी नेगेटिव होगा और बेस भी आपका नेगेटिव होगा, ये साइड डायग्राम ये वाला है, ओके यस। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -4। अब हमको निकालना है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो पहला साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बोलिए कितना, माइनस का 4, हाइपोटेनस कितना है बेटा 5, बिल्कुल सही है, पहला वाला आ गया। और आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन पॉजिटिव आएगा और कॉट पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो कॉस थीटा तो आपको पहले से क्वेश्चन में ही दे रखा है, कॉस थीटा इक्वल टू -3/5, बोलिए हाँ। नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है -4, बेस कितना है -3, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर कितना आ गया 4/3। चलिए साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, साइन के बाद क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इसका उल्टा कर दो, -5/4, कॉस के बाद सेक लिख दो, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना, -5/3, इसी को पलट करके लिख दिया, और फाइनली कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4। चेक करो आंसर, बिल्कुल सही है। अगला एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं बच्चों, एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31/3, 31/3। बच्चों आपको थोड़ा सा ये मूर्ख बनाने की क्वेश्चन कोशिश कर रहा है, बट आप बनना नहीं, आपको 31/3 को पहले ले लो, पाई को साइड कर दो, मल्टीप्लाई है, और 31/3 को खोल डालो, 31/3 मतलब कितना हो गया, 31 ट्री टेंजा 30, और बच गया कितना 1। तो बच्चों आप लिख सकते हो 10^1/3, बोलो हाँ या ना? तो साइन 10^1/3, 10+1/3 मल्टीप्लाई बाई कितना, पाई, मल्टीप्लाई भी कितना, पाई। तो साइन पाई का हमला अंदर कर दो, बोलो कितना हो गया, 10π + π/3, 10π + π/3। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो 10π है ये 2π का मल्टीपल है 5 बार, क्योंकि 5×2π = 10π, 5×2π = 10π, और मल्टीप्लाई में प्लस में कितना, π/3। और अभी मैंने आपको बताया था कि 2π के कितने भी चक्कर मारो, उन चक्करों का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब केवल इसका होगा, क्योंकि 2π के 5 चक्कर है ना, और 2π के 5 चक्कर मारोगे तो आओगे तो वहीं, तो बचेगा क्या, केवल π/3। तो आंसर कितना हो गया, साइन π/3, बोले तो साइन 60 डिग्री, π/3 में बच्चे घबरा जाते हैं, π/3 मतलब कितने डिग्री,
60 डिग्री होता है और 60 डिग्री बराबर कितना होता है रूट थ्री बाई टू। चेक करो आंसर बच्चों, रूट थ्री बाई टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, बिल्कुल सही है, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू किसी भी प्रकार के एंगल की, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं और फिर क्लास को एंड करेंगे। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, कॉस की वैल्यू -1710। ओके, आते ही आतंकित कर दिया इस क्वेश्चन ने माइनस दे करके, बट डोंट वरी, हमने पढ़ रखा है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है कॉस थीटा। माइनस साइन को खा लेंगे, डकार भी नहीं लेंगे, कॉस ऑफ 1710 डिग्री, बोलो है ना। 360 का चक्कर घूमेगा कितने बार, देखिए 360 कितना होता है 720, और 720 को मैं अगर डबल कर दूं, 720 को अगर मैं डबल कर दूं तो 720 का डबल 0 2 2 4 2 4 14 1440, बोलिए हाँ है ना। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 1440 प्लस कितना कम बच गया है, देखिए 1440 को 710, 1710 बनाने के लिए, सो 1710 में 1440 को क्या कर दो, माइनस तो जीरो हो गया, 11 में से 4 गए 7 हुआ ना, और ये क्या बन गया 6 में से 4 गए 2, मतलब 270 डिग्री, बोली यस और नो, 270 डिग्री। अब आपको पता है 1440 का कोई मतलब नहीं है, 1440 का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं, क्योंकि 1440 360 के चार चक्कर हैं, मतलब 1440 का कोई मतलब नहीं है, मतलब सीधे कॉस 270, बोलिए यस और नो, कॉस 270, कॉस 270, यस और नो। अभी अभी मैंने पढ़ा है आपको कॉस 180 प्लस 90, कॉस 180 प्लस, यस, कॉस 180 प्लस थीटा, यस, 180 प्लस थीटा मतलब ये वाली लाइन, नो चेंज, मतलब आंसर कितना कॉस 90, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है क्योंकि ये तो 10 का घर है, तो यहाँ पे कितना आएगा -90, और आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में cos 90 कितना होता है 0, और 0 के आगे माइनस लगाओ या प्लस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बोलो आंसर कितना आएगा, चेक करो जी आंसर 0 है कि नहीं है, बिल्कुल 0 है। तो ये हमारी प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है, आज जितनी मैंने प्रैक्टिस कराई है बच्चों, ये सारी प्रैक्टिस आप करिए, बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आज मैंने आपको दिया है, मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया है, मैंने आपको डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट दिया है, मैंने आपको एलिड एंगल के कंसेप्ट दे दिए हैं, मैंने आपको नेगेटिव एंगल थ्योरी बता दी है, तो बहुत सारा मैटर आपको मिल गया है, इसको बार बार पढ़िए, मतलब ये मैटर जो है करीब 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे फिर से रिवाइज करने में, मेरी स्पीड है बट आप नए नए हैं इसलिए 3 से 4 घंटे इसको जबरदस्त तरीके से रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन।